ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्य प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अष्टम भाव में, जिसे हम मृत्यु भाव कहते हैं, अष्टम भाव में मेष राशि से मीन राशि तक कोई भी राशि हो तो क्या परिणाम होगा, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले, जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि अष्टम भाव में अगर मेष राशि हुआ तो क्या रिजल्ट देता है। देखिए, अगर अष्टम भाव में मेष राशि है तो जातक रोगी होता है, ठीक है। अगर रोग से बचना है तो उसे परदेश में रहना होगा, परदेश में रहने वाला होता है, और अपनी बीती हुई बातों को, ठीक है, अपने अतीत में जाके अतीत के बारे में सोचते हुए वो मूर्छित होने वाले परिस्थिति में आ जाता है। जैसे कि उसकी घर में ऐसा था वैसा था, बहुत सुंदर था, ये सब सोच के वो हमेशा मूर्छित होता है। वो जातक धनवान होता है परंतु साथ ही साथ दुखी होता है अगर अष्टम में मेष राशि हुआ तो। अगर अष्टम भाव में वृषभ राशि होता है तो वो जातक जो है वो कफ के विकार में हमेशा परेशानी में रहता है। ज्यादा खाने की वजह से भी उसे हमेशा प्रॉब्लम आते हैं, और बिस्तर पर किसी दूसरे जनों के हाथों ही मृत्यु का संभावना रहते हैं अगर अष्टम भाव में वृषभ राशि होता है तो। अष्टम भाव में अगर मिथुन राशि होता है तो ऐसा जातक जो है वो शत्रु के साथ जुड़ा हुआ रहता है, शत्रु संग रहता है, ठीक है, लोभी होता है वो जातक, और किसी भी जैसे कि वाटरी एलिमेंट से, ठीक है, जैसे हम रस पदार्थ कहते हैं वो खाने के कारण, जैसे कि लिकार हुआ और कुछ ऐसे भी हो सकता है, वो खाने के कारण किडनी की बीमारी हो सकते है, और किडनी की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए मिथुन लोगों की जो जातक होता है, ठीक है, अगर अष्टम भाव में मिथुन राशि होता है तो उसे थोड़ा ये शराबादी से बचना चाहिए। अष्टम भाव में अगर कर्क राशि होता है तो वैसे जातक जो है पानी में डूबकर मृत्यु होने का चांसेस रहता है, उसे पानी से सावधान होना चाहिए। और ये जो विषाक्त कीट होता है, पॉइजनस कीट पतंग होता है, उससे भी सावधान होना चाहिए। और दूसरे राष्ट्र से, ठीक है, जो मनुष्य आते हैं वो मनुष्य के कारण भी उन लोगों की मृत्यु हो सकता है। इसलिए फॉरेन के जो आदमी है, लोग है, जो विदेशी लोगों से, उन लोगों को बचना चाहिए अगर अष्टम भाव में कर्क राशि हुआ तो। आइए अब हम समझते हैं, अगर अष्टम भाव में सिंह राशि हो तो उसे जातक को जो विषैले जो जंतुए होते हैं, जैसे सांप हुआ, ठीक है, और जंगल में उसे बच के चलना चाहिए, विषैले जंतु से बचना चाहिए, और उन लोगों को सोरी से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और जो भी सार पैरों वाला जो जानवर होता है वो लोग उसे सावधान होना चाहिए, नहीं तो उन लोगों की वजह से जातक का मृत्यु हो सकता है अगर अष्टम भाव में सिंह राशि होता है तो। अगर अष्टम भाव में कन्या राशि होता है तो वो जातक जो है अधिक भोगी होता है, विलासी होता है, भोग विलास से अपना जीवन व्यतीत करता है, और जो अपने हितधारी है, जो उसके हित चिंतक होता है, उसके बात वो अनसुनी करती है, नहीं मानते हैं, जिसके कारण वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और ये अपनी स्त्री का हत्या करने में प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कभी कभी हो जाता है कि अपने स्त्री का ही हत्या कर देता है, और खाने में विष होने के कारण, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो सकते हैं, और स्त्री के कारण भी उसकी मृत्यु हो सकते हैं। ये सब अष्टम भाव में अगर कन्या राशि हो रहता है तो ये परिणाम निकलता है।
अष्टम भाव में अगर तुला राशि होता है तो वो किसी दो पैरों वाली जो इंसान होता है, जैसे कि मनुष्य हुआ, मानव हुआ, जो दो पैरों में चलता है, उससे सावधान पूर्वक रहना चाहिए, नहीं तो वो मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। और रात के समय में अधिक उपवास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो मृत्यु के कारण बन सकता है। और शत्रु के जो कोप से वो हमेशा कष्ट पाता है, और ये मृत्यु के कारण भी बन सकता है। शत्रु उनके पीछे बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता है अगर अष्टम भाव में तुला राशि होता है तो। अष्टम भाव में अगर वृश्चिक राशि होता है तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? देखिए, वो मनुष्य जो है खून की विकार के कारण मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, और कीड़े, जो विषाक्त कीड़े हुआ, पॉइजनस कीड़े के काटने के कारण भी मृत्यु हो सकते हैं, और विष पीने के कारण। ठीक है। और विष से उन लोगों का खतरा होता है, इसलिए विष आदि द्रव्य से, विषाक्त कीटाणु से हमेशा वो सावधान रहना चाहिए जिसके अष्टम में वृश्चिक राशि होता है। अगर अष्टम भाव में, ठीक है, धनु राशि होता है तो वो जो होता है जातक शस्त्र की आघात से, ठीक है, वो प्रॉब्लम में आ सकता है, और जो गुप्त जो उनका गुप्तेंद्र है उसकी रोग से उसका मृत्यु हो सकता है, और सार पैरों वाला जो जानवर होता है उससे भी उनका मृत्यु का कारण बन सकता है। साथ ही साथ जल में उसे हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वो मृत्यु के कारण बन सकता है। अगर अष्टम भाव में मकर राशि हो तो वो मनुष्य जो है बहुत विद्वान होता है, गुणी होता है, मानी होता है, ठीक है, लेकिन वो कामचोर होता है, ठीक है, और विशाल छाती वाला होता है, और वो शास्त्रों को जानने वाला होता है, शास्त्रों को अध्ययन करने वाला होता है, और विभिन्न कलाओं में रुचि रखता है, और विभिन्न कलाओं का वो निपुण होता है। अगर अष्टम भाव में मकर राशि होता है तो, अगर अष्टम भाव में कुंभ राशि होता है तो उसे अग्नि से सावधान रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसे वो अग्नि के कारण भय होता है। और कभी कभी क्या होता है, अग्नि के कारण सारी संपत्ति, जितनी भी उनकी संपत्ति है, वो जल के नाश हो जाता है, इसलिए अग्नि से उसे हमेशा संभल कर रहना चाहिए। उनकी जो अनेक प्रकार की, जैसे कि वर्ण होता है, ठीक है, वायु आदि विकार से, ठीक है, बहुत अलग अलग जो बीमारी होता है, उन लोग वो बीमारी के कारण भी जातक का शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, और बहुत ज्यादा श्रम करने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, और पराये जो घर में उन जातक व जातिका का मृत्यु होता है अगर अष्टम भाव में कुंभ राशि होता है तो। अगर अष्टम स्थान में मीन राशि हो तो वो जातक जो है बहुत ज़्यादा प्रकार की बीमारी के कारण, ठीक है, और जो वो पित्त कफ आदि बीमारी के कारण, और पानी के कारण, और साथ ही साथ खून की विकार के कारण वो मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ उसे शस्त्र से बचना चाहिए, नहीं तो शस्त्र के कारण भी उन लोगों का मृत्यु हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा कि ये अष्टम भाव में, जिसे हम मृत्यु भाव कहते हैं, मृत्यु भाव में अगर मेष से मीन राशि हो, मेष राशि से मीन राशि तक कोई भी राशि हो, तो क्या परिणाम आते हैं? देखिए, अष्टम भाव जिसे आयु का भाव कहते हैं, मृत्यु का भाव कहते हैं, ठीक है, इसमें मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, आप तो मीन राशि तक कैसे कैसा रिजल्ट परिणाम आया उसके बारे में जाना, लेकिन ये एक फैक्टर है, ठीक है, ये अल्टीमेट नहीं है, इससे हम निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते हैं कि वैसे जातक का वैसा ही रिजल्ट आएगा, उसके लिए हमें विभिन्न सेक्टर देखना होगा, उस राशि का
जो अधिपति है वो कहाँ पर है, वो राशि कौन से नक्षत्र का में है, और वो नक्षत्र के अधिपति कहाँ पर है, दशा क्या चल रहा है, अंतरदशा क्या चल रहा है, अब तो सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, वो सब भी देखना पड़ेगा। फिर नवतरा चक्र देखना पड़ेगा, जो बहुत सारी चीज़ें मिलाकर ही हम लोग फलित कर पाएंगे। ये सब जानने के लिए है कि अगर कोई भी भाव में कोई ऐसा राशि रहता है तो वो परिणाम कैसा आता है, उसके हिसाब से अन्य फॉर्मूला को लगा के हम फलादेश करेंगे तो ही जाके रिजल्ट हमें सही मिलेगा। सिर्फ एक पहलू को जान के हम फलादेश नहीं करते हैं और वो करना भी नहीं चाहिए। तो आज हमने अष्टम भाव में मेष से मीन राशि तक जाना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।